Question number 11 from matrix. आपसे बोल रहे हैं कि if a and a adjoint of a is equal to a transpose. इसके लिए एक वेल फेमस फार्मूला है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, जो कि फिलहाल 2 है. ए मतलब 5a, 3b 2, और इसका ट्रांसपोज मतलब 5a और b का इधर होना, 3 और 2 का इधर होना. डिटरमिनेंट मतलब 10a, प्लस 3B 1001. 10A प्लस 3B 0 0, 10A प्लस 3B इज इक्वल टू, इस पीछे जो वर्टिकल है उसको आगे वाले पर हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 15 ए माइनस 2B. अब इसे हटा दीजिए, 3 और 2 ले आइए, तो 15 ए माइनस 2B 9 प्लस 4. इसको इससे कंपेयर किया तो 15a इज इक्वल टू 2b. आगे जाके देखते हैं हमें a की जरूरत पड़ती है या b की, उस हिसाब से यहां से वैल्यू ले लेंगे. 10a प्लस 3b को कंपेयर किया 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से. अब देखिएगा, b की वैल्यू ले लेते हैं 15a अपॉन 2, तो 10a प्लस 3 15a अपॉन 2 25 15a अपॉन b, ये b की वैल्यू, प्लस 25 इंटू a स्क्वायर. पूरे में से ए कैंसल आउट हो गया, अब हो गया 10 प्लस 45 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इधर से 5 कॉमन निकाला तो 15 इंटू 15 की जगह अब हो गया 15 इंटू 3, 45 ए अपॉन बी स्क्वायर. आई एम सॉरी, नॉट बी, इट इज व्हाट, 2, यानी 4 प्लस 5 कॉमन निकाल लिया तो बचा 5a. 5 से इसको काट दिया तो 2 प्लस 9 बाय 2 इज इक्वल टू, a कॉमन निकाला तो 45 और 20, 65 अपॉन 4, 13 अपॉन 2 ए, 65 अपॉन 4. तो भाई ए की वैल्यू आई 2
बाई फाइव, अब हमें एक्चुअली वैल्यू निकालना है क्वेश्चन नंबर 11 फाइव ए प्लस बी की, तो फाइव ए हो गया 2, अब बी की वैल्यू ये रख देते हैं 2, 5, 15 ए मतलब 3 इंटू 5 ए, तो 5 ए की वैल्यू ये रही, बगल में रहा 3 अपॉन 2 इजिकल टू बी, तो बी बराबर कितना हुआ भाई 3। हमें आंसर निकालना था 5 ए प्लस बी, तो 5 ए की वैल्यू 2 प्लस बी की वैल्यू 3 हुआ 5, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर 3, आंसर हुआ ऑप्शन 3। लेंथी क्वेश्चन था मगर था सरल।